हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बीट रूट पराठा, जिसके लिए हमें देखिए क्या क्या चाहिए होगा। ये मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है, एक बीट रूट लिया है जिसको मैंने बारीक बारीक ग्रेट करके, ये देखिए इतना बारीक इसको ग्रेट करके रख लिया है। देसी घी आधी छोटी चम्मच, नमक लिया है, इसमें मैंने दो हरी मिर्चें और दो लहसुन की कलियां और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लीजिए फ्रेंड, मैंने सबसे पहले एक पैन लिया है, उसमें मैंने एक चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसको गर्म होने दूंगी। लीजिए फ्रेंड, तेल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन डाल देंगे और इनको डालकर अच्छे से भूनेंगे। अदरक हमारी भून चुकी है, इसी के साथ में ये बीटरूट डाल दूंगी इसमें, साथ ही मैं इसमें नमक डाल दूंगी और इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इसी के साथ मैंने ये एक चम्मच पानी लिया है, इसको डाल दूंगी ताकि जो ये बीट रूट है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पर ढककर एक मिनट के लिए इसको पका लूंगी। लीजिए फ्रेंड, एक मिनट हो चुका है और देखिए बीट रूट हमारा कितना सॉफ्ट हो गया है। अब मैं स्टेज पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको हल्का ठंडा होने पर इसको मैं मिक्सी में अच्छे से पीस लूँगी। लीजिए, आटे को मैंने एक परात में डाल लिया है और उसी के साथ मैंने बीट रूट प्यूरी भी डाल दी है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करते हुए एक डो तैयार करूँगी। देखिए ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद जितनी हमें पानी की ज़रूरत होगी उतना ही हम थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करेंगे। देखिए अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल दूँगी। और इसका एक डो तैयार कर लूँगी। ये जो मैंने पानी लिया है, जिस मिक्सी के जग में मैंने बीट रूट को ग्राइंड किया था, ये उसी में ही मैंने पानी डाल दिया था। ये मैं वही पानी यूज़ कर रही हूँ। लीजिए, आटे का डो बनकर तैयार है। चलिए अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। पराठा बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ऐसे टेढ़ा लेंगे अगर आपके बच्चे बीट रूट नहीं खाते तो आप उनको ऐसे चपाती परांठा बना के दे सकते हो, ऐसे वो खुश होके खाएंगे। लेकिन आप इसी प्रकार इसकी चपाती भी बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर परांठा बना रही हूँ। लीजिए, दूसरी तरफ हमने तवे को भी गर्म कर लिया है। अब मैं अपना ये पराठा डाल दूंगी। इसी प्रकार मैं दूसरा पराठा भी बेल लूंगी। इसको हम ऐसे पलट देंगे और इसी के ऊपर हम ऐसे देसी घी लगा देंगे। देखिए
और इसको अच्छे से सिकने देंगे। लीजिए, इस पर मैंने दूसरा पराठा डाल दिया है। इसको मैं ट्राइंगल शेप में बना रही हूँ। अगर आप ऐसे अलग अलग शेप्स में बनाओगे तो आपके बच्चे भी बहुत खुश होकर खाएंगे पराठे। लीजिए, ये मैंने लच्छा पराठा बनाया है। अब इसको भी मैं और पराठों की तरह सेक लूँगी। लीजिए, बीट रूट पराठा हमारा बनकर खाने के लिए तैयार है। इसको मैंने 3 शेप्स में बनाया है, स्क्वायर, ट्रायंगल और राउंड शेप में। आप भी अगर इस प्रकार बनाएंगे तो आपके बच्चे भी खुश होकर खाएंगे। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे लिखकर भेजें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।